नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपराजिता का प्लांट अपने घर पे कैसे लगाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपराजिता के सीड को कैसे उगाएं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपराजिता के प्लांट को कैसे लगाएं। दोस्तों, इससे पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। अपराजिता दो कलर में आते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, एक ब्लू कलर का होता है और एक वाइट कलर का होता है। मेरे पास ब्लू कलर का प्लांट एक लगा हुआ है, ये लताओं वाला प्लांट होता है। आप इसको कहीं भी चढ़ा सकते हैं, अपने गमले में फिर या फिर जमीन पे। मेरा ये जमीन पे लगा है, एक प्लांट के ऊपर ये चढ़ा हुआ है। एक मेरा गुड़हल का प्लांट है, उसी के ऊपर ये चढ़ गया है। काफ़ी घना हो जाता है ये, और इसके सीड आप देख पा रहे होंगे, कुछ काफ़ी सीड इसमें लगे हुए हैं। और अभी मैं इसके पके वाले सीड को तोड़ के आपको ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक छोटा सा फ्लावर होता है, एक गोल आकार का छोटा सा फ्लावर होता है, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसके जो फल होते हैं, ये एकदम आपको मटर के फल की तरह लगेंगे। और इसके जो सीड होते हैं, वो ब्लैक कलर के छोटे छोटे होते हैं। तो मैं कुछ यहाँ से तोड़ रहा हूँ पके हुए सीड, जो मुझे लग रहा है कि अब पक गए हैं, और मैं इनको अभी ग्रो करके आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लगाना है। तो मैंने दो सीड तोड़ लिए हैं, अब मैं इनके दो फल तोड़े हैं, इनके सीड में अभी निकालने वाला हूँ। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, अपने पॉट में लगा सकते हैं या फिर जमीन पे लगा सकते हैं, और अपने हिसाब से इसको, बेल वाला प्लांट है तो चढ़ा सकते हैं चाहे जहाँ पे। तो अब मैं इसके सीड को निकालने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो पका वाला सीड रहेगा वो आसानी से खुल जाते हैं, जो फल रहता है इसका। जैसे आप मटर के दाने को निकालते हैं, उसी तरह से ये भी निकल आता है। और ये छोटे छोटे उड़द के दाने की तरह आपको ब्लैक कलर का दिखेगा। आपको इसको निकाल लेना है, और इसको सीड से ही आप ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सीड इसके ले रहा हूँ, और उसको जमीन पे ग्रो करके आपको बताऊंगा। और जब इसका प्लांट तैयार हो जाएगा, फिर मैं इसका अपडेट वीडियो भी बना के आपको दिखा दूंगा। मेरे पास ये काफी समय से लगा हुआ है, काफी दिनों से, तभी इतना बड़ा हो गया है। तो आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से इसके सीड होते हैं, एकदम ब्लैक कलर के, काले उड़द के दाने आपको जैसे होते हैं, उसी तरह से इसके सीड आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों, इसको ग्रो करने के लिए आप अपने गमले में, गमले वाली मिट्टी में ही आप ग्रो कर लीजिए, या फिर बगीचे में ऐसे ही ग्रो कर लीजिए। मैं कोई इसमें किसी भी प्रकार की कोई खाद यूज नहीं कर रहा हूँ, मिट्टी में ऐसे ही मैं ग्रो करके आपको दिखाऊंगा। आसानी से ग्रो हो जाता है, आप इसको किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी को भुरभुरी कर लें, चाहे आप गमले में लगा रहे हो या फिर आप अपने बगीचे में मिट्टी में लगा रहे हो। भुरभुरी करने के बाद मैं इस पे सीड को डाल दूंगा एक एक करके, ताकि जब ये बड़े हो जाएं, फिर इनको अलग करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो बाद में आपको निकालने में दिक्कत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूरी पर, एक दो इंच की दूरी पर इसको लगा रहा हूँ। सीड को लगाने के बाद आपको ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, फिर इसमें वाटरिंग कर देनी है, और हमारा प्लांट लगभग 15-20 दिन में ये ग्रो करने लगेगा। लगभग सारे प्लांट ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं, कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं। ऊपर से आप मिट्टी फिर डाल लीजिए। मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए।
तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से अपराजिता के सीड ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।